14 सितंबर 1939 को कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में जिन्ना साहब को भी आमंत्रित किया गया था, लेकिन वो नहीं आए। कार्य समिति की इस बैठक में जहां फासिस्टवाद और नाजीवाद की निंदा की गई, वहीं भारत के वॉयसराय और ब्रिटिश सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के प्रति भी विरोध प्रकट किया गया। कांग्रेस ने सहयोग देना स्वीकार किया, लेकिन कुछ शर्तें भी रखी। ये कहा गया कि भारत ऐसे युद्ध में सहयोग नहीं दे सकता जिसका उद्देश्य तो लोकतंत्र और स्वतंत्रता बताया जा रहा है, पर स्वयं भारत में मामूली नागरिक स्वतंत्रता तक छीन ली गई है। कांग्रेस के इस रवैये के कारण प्रांतों के गवर्नरों और मंत्रियों में खींचातानी बढ़ने लगी थी। 22 अक्टूबर को कांग्रेस कार्य समिति ने सभी मंत्रिमंडलों को त्याग पत्र देने की हिदायत दी और नवंबर के पहले हफ्ते में सभी ने इस्तीफे दे दिए। मंत्रिमंडलों के इस्तीफे के तुरंत बाद ही ब्रिटिश शासन ने फिर से अपना दमन चक्र शुरू कर दिया। गिरफ्तारियां शुरू हो गईं और जुलूसों पर गोलियां और लाठियां बरसने लगीं। एक ओर जबकि कांग्रेस ब्रिटिश नीतियों का विरोध कर रही थी और स्वतंत्रता की मांग कर रही थी, लाहौर में मार्च 1940 में आयोजित मुस्लिम लीग के अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने स्पष्ट शब्दों में कहा, मुसलमान माइनॉरिटी नहीं है, वे कौम है। उन्हें घर चाहिए, एक इलाका चाहिए और एक मुल्क चाहिए। वो एक तरह से पाकिस्तान की मांग कर रहे थे। जिन्ना चाहते थे कि कांग्रेस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की बात को सिद्धांततः स्वीकार कर ले, बाकी बातें बाद में तय की जा सकेंगी। इधर 19 और 20 मार्च 1940 को बिहार में रामगढ़ में कांग्रेस का अधिवेशन मौलाना अबुल कलाम आजाद की अध्यक्षता में हुआ। इस अधिवेशन में पर्चे बांटे जा रहे थे कि हमारा कर्तव्य है ना एक पाई, ना एक भाई, ना कोई माल, यानी ना हम युद्ध के लिए एक पाई देंगे, फौज में भर्ती होने के लिए ना एक भाई देंगे और ना सेना के लिए सामान देंगे। इस फैसले से ब्रिटिश सरकार घबरा उठी थी। वो चाहती थी कि खुद बच निकले और भारत को युद्ध में झोंक दे। उसने मुस्लिम लीग को अपनी ओर मिलाना चाहा, पर सफलता नहीं मिली। रामगढ़ अधिवेशन में 4 महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। हर रोज खद्दर कातें और पहने, छुआछूत की भावना खत्म कर दें, कांग्रेस समिति अपने को सत्याग्रह समिति में बदल ले और पूर्ण स्वतंत्रता ही कांग्रेस का उद्देश्य है। अपने अध्यक्षीय भाषण में मौलाना आजाद ने कहा था, हमारी कामयाबी का इनिसार 3 बातों पर है, इत्तेहाद, डिसिप्लिन और महात्मा गांधी की रहनुमाई में मुकम्मल यकीन। हमें इस वक्त का सही इस्तेमाल करना है, अपने आप को हिंदुस्तानियों के लायक साबित करना है। दूसरी ओर भारत की स्वतंत्रता के कट्टर विरोधी और पक्के साम्राज्यवादी विंस्टन चर्चिल ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का पद संभाल लिया था। चर्चिल की दुर्भावना का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उसने भारतीय मामलों का मंत्री एमरी को बनाया था, जो चर्चिल का पक्का शिष्य था और भारत का कट्टर विरोधी भी। चर्चिल ने एमरी से कहा था, जल्दी या देर से तुम्हें गांधी, इंडियन कांग्रेस और उनके विचारों को पैर से कुचलना ही होगा। कांग्रेस में कुछ ऐसे नेता भी थे जो सरकार के दमनचक्र को देखकर समझौतावादी रुख अपनाना चाहते थे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी इस विचार के प्रमुख नेता थे। उनका कहना था कि अभी ब्रिटिश सरकार इतना करे कि सिद्धांत रूप में पूर्ण स्वतंत्रता को मान ले, पर कार्य रूप में 1935 के इंडिया एक्ट के अंदर ही केंद्र में विभिन्न दलों की राष्ट्रीय सरकार बनाई जाए। वॉयसराय रहे पर शक्ति इस सरकार के हाथ में रहे, तो कांग्रेस सरकार को लड़ाई चलाने में मदद देगी।
चक्रवर्ती राजगोपालाचारी महान कूटनीतिज्ञ और कुशल राजनेता थे। महात्मा गांधी के आह्वान पर सन 1919 में सत्याग्रह आंदोलन में और 1920 में असहयोग आंदोलन में उन्होंने सक्रिय रूप से भाग लिया था। जिन दिनों गांधी जी जेल में थे उनके पत्र यंग इंडिया का संपादन चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने ही किया था। सन 1937 में मद्रास राज्य की अंतरिम कांग्रेस सरकार के प्रधानमंत्री भी राजगोपालाचारी ही बने थे, किंतु नवंबर 1939 में कांग्रेस के निर्णय के अनुसार इन्होंने भी प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया था। राजगोपालाचारी कांग्रेस के महासचिव और कार्य समिति के सदस्य के रूप में भी कई वर्षों तक काम कर चुके थे। सन 1940 में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की मीटिंग पूना में हुई। वहां उन्होंने द्वितीय महायुद्ध के दौरान ब्रिटिश सरकार की भूमिका संबंधी अपना प्रस्ताव रखा, किंतु गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनका कहना था कि इस प्रकार युद्ध के कार्य में शिरकत करने से अहिंसा की नीति टूट जाएगी। द्वितीय महायुद्ध में भारत की भूमिका के बारे में उस समय नेताओं में काफी मतभेद था। मौलाना आजाद ने लिखा है कि कांग्रेस के इतिहास में ये बहुत ही कांटे का समय था, पर इससे भी अधिक खतरनाक बात ये थी कि हम लोगों में इस संबंध में मतभेद थे। मैंने कांग्रेस के प्रधान की हैसियत से स्पष्ट रूप से घोषणा कर दी थी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शांतिवादी संगठन नहीं है, बल्कि भारत की स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए बनाई गई संस्था है। गांधी जी के लिए ये प्रश्न शांतिवाद का था, न कि भारत की स्वतंत्रता का। पर गांधी जी की बात सबको मान्य नहीं थी। आरंभ में जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, राजगोपालाचारी तथा खान अब्दुल गफ्फार खान सभी मौलाना आजाद के विचारों से सहमत थे। राजेंद्र प्रसाद, आचार्य कृपलानी और शंकर देव पूरी तरह से गांधी जी के साथ थे। किंतु बाद में एक दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक पत्र मौलाना आजाद को मिला, जिसमें लिखा था कि वे युद्ध के संबंध में गांधी जी के विचारों में दृढ़ता के साथ विश्वास रखते हैं और चाहते हैं कि कांग्रेस उसी पर बनी रहे। यदि आप इस स्थिति से सहमत न हो तो इस पत्र को कार्य समिति की सदस्यता से उनका इस्तीफा समझें। पत्र को पढ़कर मौलाना आजाद स्तब्ध रह गए, क्योंकि उसमें नीचे जवाहरलाल नेहरू, राजगोपालाचारी, आसफ अली, सैयद महमूद, अब्दुल गफ्फार खान तक के दस्तखत थे। मौलाना आजाद को इससे बड़ी ठेस लगी कि जो लोग अब तक उनके समर्थक थे अब ऐसा पत्र लिख रहे हैं। बस उन्होंने फौरन लिख दिया कि मैं आप लोगों से सहमत हूं। इस बीच एक रोचक घटना हुई। गांधी जी जब लॉर्ड लिलिथगो से मिले तो उन्होंने कहा, अंग्रेजों को हथियार छोड़कर आध्यात्मिक शांति से हिटलर का मुकाबला करना चाहिए। लॉर्ड लिलिथगो को ये सुझाव बड़ा असाधारण और आश्चर्यजनक लगा। वो चकित रह गए। आमतौर से वो घंटी बजाकर एडीसी को बुलाते थे और उसे कहते थे कि गांधी जी को उनकी कार तक छोड़ाए, पर इस बार न उन्होंने घंटी बजाई न एडीसी को बुलाया। नतीजा ये हुआ कि गांधी जी चले तो वॉयसराय एकदम मौन जड़वत से खड़े थे। गांधी जी को अकेले ही अपने आप अपनी कार तक आना पड़ा। जब अंग्रेजों ने कांग्रेस का सहयोग प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया तो गांधी जी ने सीमित रूप से सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात सोची। कारण ये था कि उस समय लड़ने का इससे बेहतर तरीका और कोई नहीं था। गांधी जी ने सुझाव दिया कि हिंदुस्तान के लड़ाई में घसीटे जाने का प्रत्येक नर नारी को व्यक्तिगत विरोध प्रदर्शित करना चाहिए। वे खुलेआम कहें कि युद्ध से हमारा कोई सरोकार नहीं है और अपने आप को गिरफ्तार करा दें। इस आंदोलन में प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही जवाहरलाल नेहरू होने वाले थे, लेकिन सत्याग्रह करने से पहले ही एक भाषण के कारण वो जेल भेज दिए गए। तब प्रथम वैयक्तिक सत्याग्रही विनोबा भावे को चुना गया।
17 अक्टूबर 1940 को वर्धा से 8 किलोमीटर दूर पवनार गांव में विनोबा भावे ने युद्ध विरोधी भाषण दिया और सत्याग्रह आरंभ किया। आखिर 21 अक्टूबर को उन्हें गिरफ्तार करके जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद देश भर में लोग गिरफ्तारियां देने लगे। वो गिरफ्तार होते हुए कहते थे कि इस लड़ाई में मदद देना हराम है। गांधी जी स्वयं उस सूची को देखते थे जो सविनय अवज्ञा आंदोलन में भाग लेना चाहते थे। वो उन नामों को तय करते थे और पुलिस को वो सूचना भिजवा देते थे कि वो कब और कहां युद्ध विरोधी सांकेतिक आंदोलन करने आ रहे हैं। 17 नवंबर को सरदार पटेल को गिरफ्तार किया गया। 4 दिसंबर को चक्रवर्ती राजगोपालाचारी ने अपनी गिरफ्तारी दी और उन्हें 1 वर्ष कैद की सजा दी गई। 30 दिसंबर को मौलाना आजाद इलाहाबाद में जब सवेरे सवेरे एक चाय घर में चाय पीने जा रहे थे कि तभी पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने उन्हें वारंट दिखाया और आदाबर्ज किया। मौलाना ने कहा, आपने मुझे जो खास अहमियत दी है उससे मेरी इज्जत अफजाई हुई है। जाती दौर से सत्याग्रह करने से पहले ही आपने मुझे गिरफ्तार कर लिया है। मौलाना आजाद को 2 साल कैद की सजा दी गई थी। सविनय अवज्ञा आंदोलन में गिरफ्तार होकर सजा पाने वाले अन्य लोगों में पंडित गोविंद वल्लभ पंत, आचार्य नरेंद्र देव, एस सत्यमूर्ति, रविशंकर शुक्ला आदि नेता थे। उधर मौलाना आजाद के गिरफ्तार हो जाने के कारण गांधी जी ने कांग्रेस में न होते हुए भी कांग्रेस अध्यक्ष का काम संभाल लिया था। उन्होंने अपनी सहायता के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और आचार्य कृपलानी को वर्धा बुला लिया था। उस समय के उग्र राष्ट्रवादी नेताओं ने सुभाष चंद्र बोस की अध्यक्षता में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन किया, जिसमें उन्होंने ब्रिटिश सरकार से समझौता न करने की मांग की। सुभाष चंद्र बोस के युद्ध विरोधी विचारों के कारण ब्रिटिश सरकार ने उन्हें गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। उत्तर प्रदेश में वैयक्तिक सत्याग्रह ने जन आंदोलन का रूप ले लिया था और इस कारण वहां ब्रिटिश शासन का दमन चक्र जोरों से चला था। बिहार में मुस्लिम लीग के प्रभाव से सांप्रदायिक तनाव बढ़ गया। गांधी जी चाहते थे कि देश स्वतंत्र हो जाए। शेष समस्याएं अपने घर की हैं और इन्हें घर के लोग मिलकर सुलझा लेंगे। परंतु अंग्रेज नहीं चाहते थे कि भारत एक हो सके। सर तेज बहादुर सप्रू की अध्यक्षता में एक निर्दलीय सम्मेलन बुलाया गया। इसका उद्देश्य ये था कि सांप्रदायिक सद्भाव पैदा हो सके। कुछ सुझाव पेश किए गए, पर सरकार भला उन्हें क्यों स्वीकार करने लगी? इससे वातावरण और बिगड़ने लगा। उधर ब्रिटेन और अमेरिका ने एक चार्टर जारी किया, जिसमें कहा गया था कि वे इस बात का वचन देते हैं कि इसका पालन किया जाएगा। चार्टर में कहा गया था कि वे समस्त जनों के इस अधिकार का सम्मान करते हैं कि वे स्वेच्छा से ऐसी सरकार का गठन करें जिसके अधीन वे रहना पसंद करते हैं, और ब्रिटिश तथा अमेरिकी सरकारें आकांक्षा करती हैं कि उन जनों को सार्वभौम सत्ता और स्वशासन का अधिकार पुनः दे दिया जाए जिन्हें जबरदस्ती उनसे अलग किया हुआ है। इस चार्टर से भारतीयों को आशा की किरण दिखाई दी, किंतु चर्चिल ने एक वक्तव्य देकर वो आशा धूमिल कर दी। उसने कहा कि ये चार्टर भारत पर लागू नहीं होता है। चर्चिल के इस बयान से लोग समझ गए कि वो कभी भारत को आजादी नहीं देगा। भारतीय नेताओं ने चर्चिल के बयान पर विचार विमर्श करके निर्णय किया कि उन्हें स्वतंत्रता आंदोलन तेजी से चलाना होगा। दूसरी ओर भारतीय ब्रिटिश शासक ने चर्चिल के बयान का यही अर्थ लगाया कि चर्चिल चाहते हैं कि भारत के आंदोलनों को बुरी तरह कुचल दिया जाए तो भारतीयों का आजादी का जोश काफी हद तक ठंडा पड़ जाएगा। इस कारण ब्रिटिश सरकार ने अपने दमन चक्र को तीव्र गति से चला दिया।